हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारतीय राज व्यवस्था टॉपिक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रत्येक देश का शासन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उस देश में नियम कायदों का जो एक दस्तावेज होता है जिसे संविधान कहा जाता है, हर देश के संविधान की कुछ अपनी विशिष्टताएं होती हैं क्योंकि हर देश की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अन्य राष्ट्र के मुकाबले भिन्न होती हैं। इन आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप संविधान के द्वारा जिन विशेष लक्षणों को अपनाया जाता है वही संविधान की विशेषताएँ कहलाती हैं। भारतीय संविधान भी कुछ ऐसी विशेषताओं से परिपूरित है, विभूषित है। उनमें सबसे पहली विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो उसकी शुरुआत है वो है हम भारत के लोग, और प्रस्तावना के अंत में ये लाइन आती है दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की ये लाइनें हमें स्पष्टतया इस बात का संकेत देती है कि भारतीय संविधान जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है, जनता की इच्छा से बनाया गया है और भारतीय जनता ने ही इसे स्वीकार किया है और इसे देश में लागू किया है। शासन करने की जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अमेरिका जैसे महाशक्ति के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। हमारे देश में जो 395 अनुच्छेद हैं ये संविधान की व्यापकता का कारण है, और ये व्यापकता इसीलिए है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक प्रावधान को स्पष्ट तौर पर लिखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद संघ की इकाइयों अथवा अन्य शासन के अंगों के बीच ना हो। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों को आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। किसी विदेशी शक्ति अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दबाव में रहकर भारत काम नहीं करता है। भारत की सरकार विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। लोकतंत्रात्मकता का मतलब है भारत में लोकतांत्रिक शासन है, शासन के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान है, जनता को विभिन्न व्यक्तियों और दलों के बीच चुनाव करने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, और शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। जनता जब चाहे वह तब वोटिंग मशीन में तब्दीली करके, या आप कह सकते हैं अपना मत परिवर्तित करके, चुनी हुई सरकार को विपक्ष में बैठा सकती है और विपक्ष से किसी दल को सत्ता सौंप सकती है। गणराज्य का मतलब है कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जो राष्ट्रपति है वो कोई वंशानुगत राजा नहीं है,
बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि है जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है, ये व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा समाजवादी राज्य। भारत के मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। यहाँ समाजवाद वैसे तो अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, परंतु भारतीय संविधान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सरकार ने इस मॉडल को इस रूप में स्वीकार किया है कि आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास सरकार करेगी। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा जैसे निःशक्तता, असहाय स्थितियों में सरकार जनता को सहायता देगी, पेंशन देगी और उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाओं को जुटाने का प्रयास करेगी। उत्पादन और वितरण के साधनों के एक बड़े भाग पर सरकार का नियंत्रण होगा, ताकि आर्थिक जो विषमता है, असमानता है, उसे कम करने का प्रयास सरकार कर सके। समाजवाद शब्द प्रस्तावना में ही है और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, परंतु फिर भी सरकार ने इस व्यवस्था को निर्देशक तत्वों के माध्यम से, अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य का स्पष्ट अर्थ है कि भारत राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है। विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग यहाँ रह सकते हैं। राज्य किसी भी धर्मावलंबी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। ये शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द सम्मिलित किया गया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता है और ना ही धर्म के प्रति उदासीन होता है, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव, और सर्वधर्म सद्भाव कि सभी धर्मों के प्रति समान सद्भाव रखा जाएगा। यद्यपि मैंने आपको जैसा कहा कि ये शब्द भारतीय संविधान की केवल प्रस्तावना में हैं, परंतु संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं मौलिक अधिकारों और अन्य तत्वों में की गई है जिनके माध्यम से पंथ निरपेक्षता का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है और किया जा रहा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव की मनाही है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। संविधान धार्मिक अल्पमतों को यह आश्वासन देता है कि वे अपनी भाषा की रक्षा कर सकेंगे और अपनी इच्छा की संस्थाएं संचालित कर सकेंगे। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उसका पोषण करने, उनका प्रबंध करने और चल अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का पूर्ण अधिकार होगा। ये सारी व्यवस्थाएं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की गई हैं। जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30, इन 6 अनुच्छेदों के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जबकि समानता के अधिकार के अंतर्गत ये साफ साफ लिखा गया है कि धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा।
नेक्स्ट विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीलापन भी है और अमेरिका के संविधान की तरह कठोरता भी है। लचीलापन और कठोरता संशोधन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन, जैसे किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, नागरिकता संबंधी कोई मामला हो, तो इन प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह ये लचीलेपन का, हमारे संविधान के लचीलेपन का उदाहरण है कि संविधान में हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की जो दो प्रणालियों का उल्लेख किया गया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के विशिष्ट बहुमत द्वारा और संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन, ये दोनों प्रणालियाँ कठोर प्रणालियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे यदि हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को बदलना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को बदलना हो, संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें कोई परिवर्तन लाना हो, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकारों का परिवर्तन करना हो, तो इस प्रकार के कोई भी परिवर्तन हम अनुच्छेद 368 की इन दो प्रणालियों के द्वारा ही कर सकते हैं। ये दोनों प्रणालियाँ कठोर श्रेणी में आती हैं। तो एक तरफ भारतीय संविधान में लचीलापन भी है, जहाँ हम देखते हैं साधारण बहुमत से हम कोई चेंज कर सकते हैं, और कठोरता का समावेश भी है, जहाँ संविधान में परिवर्तन करने के लिए हमें विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट है हमारा संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने पुराने ब्रिटिशकालीन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली की सरलता के कारण और लोक प्रभुता की दृष्टि से उपयुक्त मानते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मूल्यांकन दिन प्रतिदिन होता है, तो इसलिए इस विशेषता को स्वीकार किया गया ताकि कि ब्रिटिशकालीन भारत में बहुत लंबा अनुभव भारतीयों ने इस प्रणाली का लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत को एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। संविधान द्वारा केंद्र और शक्तियों के राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है और संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ये सभी विशिष्टताएं भारत को संघात्मक शासन की ओर ले जाती है, जबकि इनके साथ साथ ही भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ऐसे उपबंध हैं जो भारत को एकात्मक शासन की ओर ले जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लक्षण भी हैं और एकात्मक शासन के भी। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है हमारा संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत ने संसदात्मक शासन अपना करके संसद को सर्वोच्चता प्रदान की, लेकिन इसके साथ ही संसद की सर्वोच्चता पर अंकुश लगाए रखने के लिए संविधान और की व्याख्या करने और संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को देकर न्यायपालिका को भी प्रमुखता प्रदान की है। तो जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, भारत ने दोनों के बीच का मार्ग अपनाया।
ब्रिटिश का जैसे संसदीय सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया और उसके साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया। संसद पर न्यायपालिका को और न्यायपालिका पर संसद को नियंत्रण करने की शक्तियाँ प्रदान की। जैसे अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो अधिकार कानून संविधान के विरुद्ध हो, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। उसी इसी प्रकार न्यायपालिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या न्यायाधीशों द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार और किया जा रहा है, उन पर अंकुश लगाने के लिए जो कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद में ही संचालित होती है। संसद किसी भी ऐसे न्यायाधीश को पद से हटा सकती है जो अपने पद के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के व्यक्तित्व में के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इस तरह अमेरिका और आयरलैंड के संविधानों में जैसे अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट है हमारा निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के कह सकते हैं हम लोग दिशा संकेत हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इन निर्देशक तत्वों का पालन करके राज्य न केवल जनता का कल्याण कर सकता है, बल्कि अपनी पहुंच जो है वो जनता के हृदय तक बना सकता है। तो भारतीय संविधान के अध्याय सॉरी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में चूंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के वितरण को लेकर के या कोई अन्य विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि संविधान की निष्पक्ष व्याख्या भी की जा सके और केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों को भी सुलझाया जा सके। इसके अलावा भारतीय संविधान की और विशेषताएं हैं, जैसे वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हमारे संविधान में है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह दो प्रकार की नागरिकता हमारे नागरिकों को नहीं मिलती है, हमारे देश के नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलती है, भारत की नागरिकता। अमेरिका में वहाँ पर एक तो संघ की नागरिकता मिलती है, अमेरिकी संघ की, और दूसरी जिस राज्य में व्यक्ति निवास करता है उस राज्य की नागरिकता मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोलंबिया में रह रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, तो उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और अमेरिका दो नागरिकता मिलेगी, जबकि भारत के नागरिकों को चाहे वो राजस्थान या आसाम कहीं पर भी रहता हो उसे एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, भारतीय नागरिकता। इसके अलावा अल्पसंख्यकों और विशेष पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई हैं। भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श लेकर के चलता है।
लोगों के बीच सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए भी भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान के द्वारा एक राष्ट्रभाषा का प्रावधान भी किया गया है, ताकि संपूर्ण देश में एक जैसे राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न हो सकें। तो मैंने आपको करीब जो 12-13 विशेषताएं हैं उनको विस्तार से बताया है, और कुछ विशेषताओं के मैंने आपको बिंदुवार आपके सामने चर्चा की है। PDF में इन दोनों का उल्लेख नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि एक बड़ा क्वेश्चन जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा जाता है वो आप कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान भी है और बहुत विस्तृत भी है, आपको अच्छे अंक दिलवा सकता है, और साथ साथ आगे जो कुछ भी हम संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे उसका एक निचोड़ इन विशेषताओं के अंतर्गत हमें मिल जाता है। इसलिए इस विशेषताओं को आप अक्षरशः हृदयंगम कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आगे आके अध्यायों में आपको और आसानी होगी।